Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Hope you all are doing good, and today we are going to throw some light upon how growth of nationalism took place and how it increased in the country, and how was Indian National Congress formed. But before throwing some light on this particular topic, kuch points reh gaye the pichle topic se jin pe pehle hum baat karenge. Lord Dalhousie ke time पहली रेलवे स्टार्ट हुई थी. ठीक है, पहली रेलवे स्टार्ट हुई थी कब? 1853 में, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के टाइम, आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, राइट? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज गवर्नमेंट एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. फाइन, इसके बाद यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी. लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी. कहाँ पे? बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास. ये कब हुआ था? 1857 में. फाइन, तो पहले रेलवे कब स्टार्ट हुई थी? 1853 किसके टाइम? लॉर्ड डेलहाउजी के टाइम. और वो कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे से ठाणे तक. लॉर्ड कैनिंग के टाइम क्या हुआ था? यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास में. कब? 1857 में. अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था. लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1 पास हुआ था. ये कब हुआ था? 1861 में. दिस वॉज पास्ड इन 1861. उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आते हैं. पहले लॉर्ड एल्गिन आते हैं 1862 से 1863 तक, बट उनका कंट्रीब्यूशन उतना है नहीं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो. तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम एक चीज आपको याद रखनी है, हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए थे. हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे? फिर से कैलकटा में, बॉम्बे में एंड मद्रास. और ये कब हुआ था? It happened in 1865. So do not get confused between the dates. Railway jo start hua tha, that happened in 1853 by Lord Dalhousie. High court establish hue the 1865 mein, aur university establish hui thi 1857 mein. Theek hai? So ye kuch points the jo important the examination point of view se. Ab aaj growth of nationalism. जब तक लोगों में नेशनलिज्म ही नहीं होती, वो फीलिंग ही नहीं होती, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कभी नहीं लड़ पाते. लेकिन नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज कराने के लिए पहले उनमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी था. जब लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है कंट्री में, क्या हो रहा है उनके साथ, कैसे उनके साथ कौन सी पॉलिटिकल गेम्स खेली जा रही है उनके साथ, जब उन्हें उन सब चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं थी, तो ऑब्वियसली नेशनलिज्म की फीलिंग भी आती ही कहाँ से. तो जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, दे वर एज फॉलोज. पहले था प्रेस, फाइन, इंग्लिश एजुकेशन. उसके बाद पॉलिटिकल यूनिटी, then means of modern transport. इन सब पे हम बात करेंगे, but let me write down all the factors first. So press, English education, political unity, means of modern transport, Lord Lytton theory, very important from the examination point of view. Then
इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, एंड देन द लास्ट वन रेशियल सुपीरियोरिटी, रेशियल डोमिनेंस। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे विच हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स पीपल, विद इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। ठीक, पहले हम प्रेस की बात करते हैं। फाइन, अब देखो प्रेस में आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि प्रेस इंट्रोड्यूस कब हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ पहला प्रिंटिंग प्रेस, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ये कब हुआ? इट वॉज लॉन्च्ड बाय पोर्टुगीज। किसने लॉन्च किया था? पोर्टुगीज ने लॉन्च किया था। अब प्रेस का क्या रोल था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में? जब लोग अखबार पढ़ते, जब लोग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जो प्रेस होते हैं, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, बाकी चीज़ें हैं, जब लोग वो पढ़ते उनको पता चलता कि कंट्री में हो क्या रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। सो वो किससे हुआ? जब प्रेस एस्टैब्लिश हुआ। तो कब हुआ था ये? किसने लॉन्च कराया था? ये पोर्टुगीज ने लॉन्च करवाया था। तो पहला न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा था? फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट। और ये किसका था? ये जर्नल किसका था? इट वाज बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने लॉन्च करवाया था? पोर्टुगीज ने लॉन्च करवाया था। पहला न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा था? इट वाज बंगाल गैजेट। और किसका न्यूज़पेपर था वो? जेम्स ऑगस्टस हिकी का न्यूज़पेपर था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था इंग्लिश एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को इंग्लिश एजुकेशन की समझ होती, इंग्लिश लैंग्वेज की समझ आती, तब जाके वो समझ पाते कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ है, ब्रिटिशर्स की जो लैंग्वेज है, वो क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है। लेकिन जब लोगों को उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती थी, ऑब्वियसली उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल विद इंग्लिश लैंग्वेज। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंग्लिश को वो सीखे, उसको समझे, ताकि वो ब्रिटिशर्स को उनकी ही लैंग्वेज समझकर उन्हें ही वापस जवाब दे सके। फाइन, जिसकी वजह से फिर वो मैकॉले का वो चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए विल बी स्पेंड ऑन इंग्लिश एजुकेशन एंड ऑल, वो सब आपको पता है, वो पहले ही पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। इंग्लिश एजुकेशन के बाद पॉलिटिकल यूनिटी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। लोगों में ये समझ होनी चाहिए थी कि कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनके साथ हो रही है, या उनकी कंट्री में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली उनकी कंट्री में क्या हो रहा है। जब वो उन पॉलिटिकल कंडीशंस को समझ पाते, तब जाके वो यूनाइट होकर उस पॉलिटिकल कोई भी कंडीशन हो, कोई भी बिल हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसके अगेंस्ट लड़ पाते। सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर पीपल अबाउट द पोलिटिकल कंडीशन ऑफ देयर कंट्री, कौन सी चीज़ उनके खिलाफ हो रही है, कौन सी चीज़ उनके साथ गलत की जा रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही है जो उनके अगेंस्ट हो रही है। उनको उस बात की समझ होनी चाहिए थी पोलिटिकली उनके साथ क्या क्या हो रहा है, फिर पोलिटिकली यूनाइट होना और उस चीज़ के अगेंस्ट लड़ना वो तभी पॉसिबल होता जब उनमें उस चीज़ की समझ होती। फाइन, नेक्स्ट, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्यों इम्पॉर्टेंट था? वाई वॉज ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते, इनिशियली मैंने आपसे कहा बहुत सारी एसोसिएशंस थी इंडिया में, जैसे कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी जो कि दादा भाई नरोजी ने स्टार्ट की थी। फाइन, तो ये छोटी छोटी एसोसिएशन जो थी, ये मगर ये दे वो सो लोकल इन देयर नेचर,
कि इनकी बात ब्रिटिशर्स कभी सुनते ही नहीं थे और ये कभी भी पूरे इंडिया की बात करते ही नहीं थे, ये सिर्फ अपने ही एरिया में, अपने ही टाउन में, अपने ही स्टेट की बात करते थे। ये दे वर कन्फाइंड अप टू देयर ओन टाउन, अप टू देयर ओन एरिया, और इनकी बातें कभी भी ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीरियसली ली ही नहीं। अब जब, और इनके साथ क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये साउथ में चल रहा है तो इनके साथ क्या हो रहा है नॉर्थ वालों को पता ही नहीं है, ईस्ट में क्या हो रहा है एक स्टेट में क्या हो रहा है दूसरी स्टेट को पता ही नहीं है, एक एरिया में क्या हो रहा है दूसरे एरिया को पता ही नहीं है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हुआ, जब ट्रांसपोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आने लगा, तो ये लोग यहाँ भी जा सकते हैं, ये लोग यहाँ भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, ना कि सिर्फ यही बात करने, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, बट व्हेन दे विल ट्रैवल, तो उस ट्रैवलिंग के बीच वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा दूसरे लोगों से बात करने का, दूसरे स्टेट के लोगों से बात करने का, इजंट इट, तो उससे वो अपनी व्यूज जो है, अपने ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हैं, उनको एक दूसरे की स्टेट में क्या हो रहा है उस बारे में पता चलेगा, फाइन। तो इसलिए जिसकी वजह से उनको समझ में आएगा कि गलत हो रहा था, सिर्फ उनकी ही स्टेट में नहीं, या ये चीज़ ही गलत नहीं हो रही है जो उनकी स्टेट में हो रही है, बल्कि कुछ और भी बातें हैं जो बाकी स्टेट्स में हो रही है, तो ये सब कुछ गलत है। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है किस में, नेशनलिज्म को ग्रो करना विद इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इट वॉज लॉर्ड लिटन थियरी। अब लॉर्ड लिटन थियरी में क्या हुआ, लॉर्ड लिटन जो है, पहले आप याद रखोगे, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनपॉपुलर वॉइसरॉय, अनपॉपुलर वॉइसरॉय, रिएक्शनरी वॉइसरॉय, क्योंकि ये हर बात पे रिएक्शन देते थे बिना सोचे समझे, इट वॉज वेरी क्रूअल, एंड वॉइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, वॉइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। अब इनकी क्या एक्टिविटीज थी, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उसमें पहले आता है वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट। ये कब हुआ था, इट हैपेंड इन 1878। इसमें क्या कहा गया था कि अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं आना चाहिए, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं, किसी भी जगह पे, किसी भी गैजेट में नहीं, किसी भी मैगजीन में नहीं, और जो भी कुछ छपेगा इंग्लिश के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सॉरी नॉट खिलाफ, ब्रिटिशर्स के बारे में जो भी कुछ प्रेस में आएगा उसकी पहली कॉपी, उसकी फर्स्ट कॉपी किसको जानी चाहिए, इट शुड कम टू लॉर्ड लिटन। ये सब कहा गया था वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट में, मतलब ये कुछ भी करे बट इनके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जाएगा न्यूज़पेपर में, और अगर कुछ भी इनके बारे में लिखा जाएगा बीट इन गुड सेंस ऑल्सो, तो उसकी पहली कॉपी किसको जानी चाहिए, लॉर्ड लिटन को जानी चाहिए। तो ये वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट है। दूसरी चीज जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज आर्म्स एक्ट, दैट इज आर्म्स एक्ट, वो भी 1878 में ही आया था, उसी साल वो भी आया था। तो इसमें क्या कहा गया था कि इंडियंस अगर आर्म्स रखना चाहते हैं, अगर वो गन्स वगैरह रखना चाहते हैं, तो उन्हें लाइसेंस के लिए लाइसेंस ब्रिटिशर्स से ही लेनी पड़ेगी, उसकी परमिशन, दे नीड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फाइन। लेकिन अगर कोई यूरोपियन, कोई ब्रिटिशर ऐसा करना चाहे, वो गन रखना चाहे, तो उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। दिस वॉज ओनली फॉर इंडियंस, और ये था आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। उसके बाद इसका तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसने सेटअप करवाया क्या, दिल्ली दरबार, और वहाँ पे एक टाइटल दिया जाता था विच वॉज केसरे हिंद, वेट अ सेकेंड, इट वॉज केसरे हिंद टाइटल, और ये किसको दिया गया था, ऑब्वियसली क्वीन विक्टोरिया को दिया गया था। ही गेव केसरे हिंद टाइटल टू
क्वीन विक्टोरिया, और कब दिया? 1877 में। सो दिल्ली दरबार वॉज द थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय लॉर्ड लिटन। उसमें क्या हुआ, एक टाइटल दिया जाता था, और सबसे पहला टाइटल वो केसरे हिंद का किसको दिया गया था? क्वीन विक्टोरिया को। कब? 1877 में। एक और चीज थी, जैसे आज IAS है, फाइन, उस टाइम पे IAS को इंडियन, ये ICS था, ओके, इंडियन कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, इसमें इसने एक चेंज की थी। क्या की थी इसने? एज लिमिट की चेंज की थी। इनिशियली 21 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे पाते, लेकिन इसने वो एज रिड्यूस करके 19 कर दी थी। और उस टाइम पे एक बंदे थे, दैट वाज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिन्होंने ICS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन उनको क्या कर दिया गया? उनको रिजेक्ट कर दिया गया। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे। इसने बेसिकली इसी वजह से ये चेंज लाई थी, बिकॉज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सिलेक्ट हो गए थे, उन्होंने क्वालिफाई किया था ICS एग्जाम, लेकिन इसने ये चेंज उन्हीं उसी टाइम पे लाई कि 21 इयर्स तक अब आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। ही रिड्यूस द एज लिमिट फ्रॉम 21 to 19, जिसकी वजह से ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है वो रिजेक्ट हो चुके थे। तो ये भी इसमें इससे इसकी वजह से भी जो एजुकेटेड क्लास था उसमें उनमें बहुत गुस्सा आ गया कि ये चीज़ जो है ये बहुत गलत हो रही है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कि पहला फर्स्ट ICS ऑफिसर कौन था जिसने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था और एज भी बराबर थी। तो पहला ICS ऑफिसर कौन था इंडिया का? दैट वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने जो पहले ICS ऑफिसर थे। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने ये भी कहा था कि जो ये ICS एग्जाम है, इट विल बी कंडक्टेड इन लंदन ओनली, इट विल बी कंडक्टेड इन लंदन ओनली। तो दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट ही हैड mentioned, which is very important from the examination point of view. तो लॉर्ड लिटन ने क्या कहा था? एक तो पहले इसको रिएक्शनरी वाइस रॉय कहा जाता है, अनपॉपुलर वाइस रॉय कहा जाता है, वाइस रॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर भी कहा जाता है। एक्टिविटीज़ में क्या आती है इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन में? इसने वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट स्टार्ट किया था 1878 में, जिसकी वजह से प्रेस में जो भी कुछ इनके अगेंस्ट आता या इनकी अच्छा अगर इनके बारे में लिखा जाता तो उसकी फर्स्ट कॉपी किसको जाती? लॉर्ड लिटन को जाती। एंड नोबडी वाज अलाउड टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, फाइन। सेकंड कंट्रीब्यूशन क्या थी इसकी? आर्म्स एक्ट, वो भी 1878 में ही आई थी, ओके। उसके बाद आर्म्स एक्ट में क्या कहा गया था कि इंडियंस अगर आर्म्स रखना चाहते हैं, गन्स रखना चाहते हैं, तो उन्हें लाइसेंस लेनी पड़ेगी ब्रिटिशर्स से, लेकिन ऐसा कुछ भी ब्रिटिशर्स के लिए नहीं था, यूरोपियंस के लिए नहीं था। और दिल्ली दरबार, जिसमें केसरे हिंद टाइटल दिया जाता था, और पहला किसको दिया गया था? क्वीन को 1877 में, सॉरी। उसके बाद ICS एग्ज़ाम जो हुआ करते थे उसमें एज लिमिट इसने रिड्यूस कर दी गई थी, इसने रिड्यूस की थी फ्रॉम 21 to 19। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक इंडियन था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, बट इसने एग्ज़ाम की जो एज का क्राइटेरिया था वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन फिर भी जो पहला ICS ऑफिसर था वो कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और एक और चीज़ ने कही थी कि एग्ज़ाम जो है वो कहाँ पे कंडक्ट होगा? वो सिर्फ लंदन में ही दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है? एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम जो है, दैट इज व्हाइट म्यूटनी। क्यों? क्योंकि पहले इट ऑल हैपन, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम हुई। लॉर्ड लिटन का जमाना खत्म हो गया था, अब लॉर्ड रिपन आए थे।
कब से कब तक? 1880 से 1884 तक। तो इसके टाइम इल्बर्ट आया था, इल्बर्ट आया था, ठीक है। ही वॉज, ये इल्बर्ट कौन था? ही वॉज अ लॉ मेंबर इन लॉर्ड रिपन्स काउंसिल कोर्ट। लॉर्ड रिपन के काउंसिल कोर्ट में लॉ मेंबर था कौन? इल्बर्ट। फाइन। तो उसने एक बिल दी थी, इसका पूरा नाम है सीपी इल्बर्ट, ठीक है। इसने एक बिल पास की थी, इसने कहा था कि अगर कोई भी यूरोपियन होगा वो क्रिमिनल होगा, उसका जो भी पनिशमेंट है, उसने इक्वल राइट्स दिए थे इंडियन जजेस को, इंडियन एंड यूरोपियन जजेस को इक्वल राइट्स दिए थे। किसमें? इसी बिल में, इल्बर्ट बिल जो पास हुई थी, उसने इक्वल राइट्स दिए थे इंडियंस और यूरोपियन जजेस को। लेकिन उस पे क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे, जो आम लोग थे, यूरोपियंस थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये उस टाइम पे इंडिया तो ऑब्वियसली इनका गुलाम था, इनके अंडर था, अंडर सप्रेशन था। तो उन्होंने कहा था कि ये इंडियंस जो हमारे गुलाम है, जो हमारे अंडर है, वो हमें जज नहीं कर सकते, उन्हें कोई हक नहीं है उनके अगेंस्ट जजमेंट पास करने का। फिर क्या हुआ, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, फिर इल्बर्ट को अपनी बिल चेंज करनी पड़ी, उसको चेंजेस लानी पड़ी। और उस चेंज बिल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये कहा गया था कि इंडियन जजेस जो है, दे हैव नो राइट टू पास देयर जजमेंट फॉर एनी यूरोपियन हु हैज बिन अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम। अगर कोई यूरोपियन क्रिमिनल है तो इंडियन जज अपना जजमेंट उसके लिए पास नहीं कर सकता, उसे कोई राइट नहीं होगा वहां पे जजमेंट पास करने का, उसे सिर्फ यूरोपियन जजेस ही पनिश कर सकते हैं। फाइन। तो इसके बाद, दैट वाज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी फॉर यू, ए ओ ह्यूम थे। फाइन। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक सेफ्टी वाल्व थियोरी दी थी, ठीक है। तो ए ओ ह्यूम ने सेफ्टी वाल्व थियोरी दी थी, जिसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ विच इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। ओके। सो ये ए ओ ह्यूम जो थे, ये इंग्लिश मैन थे, एंड ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। फाइन। तो इनका मेन पर्पज ये था कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी ये दे, जिससे जो ये डिसकॉन्टेंट है अमंगस्ट इंडियन एजुकेशन, एजुकेटेड इंडियंस, वो खत्म हो। तो इन्होंने एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी, जिसकी वजह से आईएनसी जो है वो फॉर्म हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म हुआ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक और रीजन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी, उसका एक और रीजन यही है जो मैंने आपको पहले बताया, कि बहुत सारी छोटी छोटी एसोसिएशंस थी इंडिया में, जैसे कि लैंड होल्डर एसोसिएशन थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, मगर वो कन्फाइंड थी अप टू देयर ओन एरियाज एंड स्टेट्स ओनली। और उनकी जो मांगे होती थी, लाइक एजुकेशन सिस्टम बढ़ना चाहिए, अच्छे से ग्रो करना चाहिए, लेकिन यूरोपियंस जो है वो कभी उनकी ये सारी डिमांड कंसिडर, तो दूर की बात है, वो कभी सुनते भी नहीं थे, वो उनको सीरियसली लेते ही नहीं थे, ठीक। तो इन्होंने क्या सोचा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑल लेवल, ऑल इंडिया लेवल पार्टी होनी चाहिए, एक एसोसिएशन होनी चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे, पूरे इंडिया की जो बात एक साथ करे उस लेवल की एक एसोसिएशन होनी चाहिए। और फिर आई इंडियन, व्हाट हैपन टू इट, फिर आई इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब फॉर्म हुई थी? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885। और उस टाइम पे 1885 में इंडिया में एक एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन। कौन सी एसोसिएशन थी? इंडियन
एसोसिएशन थी, फाइन, जो मर्ज हुई थी विद जॉइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो किस एसोसिएशन ने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस? इट वाज इंडियन एसोसिएशन. और इस सब के टाइम जब ये सब हो रहा था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, उस टाइम पे इंडिया का लॉर्ड कौन था उस टाइम पे? इट वाज लॉर्ड डफरिन. कब से कब तक? 1884 से 1888 तक. सो लॉर्ड थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, और सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी वॉज लॉर्ड क्रॉस. हु वॉज द गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन. एंड हु वॉज द सेक्रेटरी? सेक्रेटरी इट वॉज लॉर्ड क्रॉस. अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, इन्होंने पहली मीटिंग कहाँ पे की थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पहली मीटिंग कहाँ पे इन्होंने की थी? एट बॉम्बे. ऑल दो डिसाइडेड प्लेस वॉज पुणे, लेकिन फाइनली ये कहाँ पे ये मीटिंग हुई? बॉम्बे में. और वहाँ कितने मेंबर्स थे, कितने डेलीगेट्स थे? 72. कितने? 72. और बॉम्बे में कहाँ पे हुई थी? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में इन्होंने अपनी पहली मीटिंग की. उस टाइम इस मीटिंग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इट वाज डब्ल्यू सी बैनर्जी. इट वाज डब्ल्यू सी बैनर्जी. फाइन. तो पहली मीटिंग कब हुई? पहली मीटिंग 1885 में हुई. कितने मेंबर्स थे वहाँ पे? 72 डेलीगेट्स थे. कहाँ पर हुई? बॉम्बे में हुई. ऑल दो डिसाइडेड प्लेस वॉज पुणे, लेकिन फाइनली बॉम्बे में हुई. कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुई. और प्रेसिडेंट कौन थे इस मीटिंग के? डब्ल्यू सी बैनर्जी. सेकेंड मीटिंग कहाँ पे हुई थी? सेकेंड मीटिंग, ऑल दो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट इट इन ब्रीफ. सेकेंड मीटिंग 1886 में हुई थी. कहाँ पे? कैलकटा में. उस टाइम पे 436 मेंबर्स थे. आगे बढ़ के ये थाउजेंड्स में चले गए, लेकिन उस टाइम पे 436 थे. और इस मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे? इट वॉज दादाबाई नौरोजी. ओके. एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. फाइन. अब सेकेंड मीटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ मीटिंग इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि थर्ड मीटिंग में प्रेसिडेंट जो थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. थर्ड मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. एंड व्हाट वॉज हिज नेम? बदरुद्दीन तैयब जी. बदरुद्दीन तैयब जी. और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? ये मद्रास में हुई थी. कहाँ पे? मद्रास में हुई थी. फाइन. सो थर्ड मीटिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, और उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी. और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये मद्रास में हुई थी. ठीक है. फोर्थ मीटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर जो प्रेसिडेंट थे, ही वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट. ही वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट. एंड वॉट वॉज हिज नेम? जॉर्ज यूल. तो फोर्थ मीटिंग के फोर्थ मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल. और ये मीटिंग कहां पे हुई थी? ये अलाहाबाद में हुई थी. ये कहाँ पे हुई थी? ये अलाहाबाद में हुई थी. इसके अलावा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आईएनसी से रिलेटेड, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी?
फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो 1917 में प्रेसिडेंट बनी थी, आईएनसी की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट। ओके, इसके अलावा फर्स्ट इंडियन वुमन, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन है? इट इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? वो सरोजनी नायडू है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। अगर सिर्फ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आता है तो ऑप्शन एनी बेसेंट होगा, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन आता है तो आपको सरोजनी नायडू लिखना है। फाइन। अब फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बाद, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद इसके तीन फेजेस थे। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस। पहला फेज जो है वो था मॉडरेट फेज, जिसमें मॉडरेट्स काम करते थे और मॉडरेट्स ही पहले नेशनलिस्ट थे, उन्हीं का डोमिनेंस था। कब तक? 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स ने रूल किया था आईएनसी को। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, जब आईएनसी के कुछ मेंबर्स उनकी आइडियोलॉजीज को नहीं मान पाते, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज की वजह से ये जो थे ये मॉडरेट फेज बन गया और ये एक्सट्रीमिस्ट फेज बन गया। इनका बहुत ही इनका अप्रोच डिफरेंट था, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट कब से स्टार्ट हुआ? 1906 से लेके 1918 तक। तो उसके बाद क्या आता है, ये थर्ड फेज कौन सा है? दैट इज द गांधियन एरा। ये 1918 से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है? टिल इंडिपेंडेंस। ये कब तक रहता है? इंडिपेंडेंस तक रहता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द मॉडरेट फेज नाउ, कि मॉडरेट फेज में क्या हुआ था और इसका फेलियर क्या था, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। इनका जो अप्रोच था ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, देवर सॉफ्ट हार्टेड। पहली चीज, इनको आज़ादी चाहिए ही नहीं थी, ये सिर्फ चाहते थे कि ये अब ब्रिटिशर्स के साथ ही काम करे और इनको कुछ पावर्स मिले, इनकी कुछ अथॉरिटी हो, ठीक है। उस टाइम पे कुछ लीडर्स जो इनके थे, दैट वर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। हु इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? द वन हु गॉट रिजेक्टेड इन ICS एग्जाम्स बिकॉज ऑफ हिज एज। Another one is Feroz Shah Mehta. Third is Dada Bhai Naroji. Fourth is Gopal Krishna Gokhale. Okay. अब इन मॉडरेट मॉडरेट्स का वे क्या था, ये चाहते क्या थे, इनका जो बेसिक मेथड था जो इन्होंने अडॉप्ट किया था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये बिलीव करते थे मीटिंग्स पे कि मीटिंग्स होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। इनकी जो डिमांड्स थी, व्हाट वर द डिमांड्स, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के आगे मीटिंग्स सॉरी डिमांड्स रखी थी, वो ये थी कि लैंड रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। फाइन। आर्म्स एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए। एक्सपेंशन होनी चाहिए वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन करने का, इंडियंस को वहां पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। मींस ये चाहते थे कि पार्टिसिपेशन हो इनका भी लेजिस्लेचर में। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनके डिमांड्स थे।
मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स के आगे। अब जो इनके और हाँ, सबसे बड़ी बात जो इनका कॉज बन गया फेलियर का, वो था कि दे वर कन्फाइंड अप टू अपर क्लास ओनली। लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो लोग थे, वो एजुकेटेड हो क्या हो, इनको उनसे मतलब नहीं था। जो अपर क्लास लोग थे, ये सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते थे, मासेस तक ये कभी पहुँचे ही नहीं। जो लोकल, जो बाकी लोग थे, जो एक्चुअली मास है, जो मतलब पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन को समझ पाते, वहाँ तक ये कभी, दे डिडंट रीच आउट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ये हर एक इंसान को कंसिडरेशन में नहीं लेते थे। इन्होंने सिर्फ अपर क्लास पे ही कॉन्सेंट्रेट किया था, जो इनका बिगेस्ट ड्रॉबैक था, जो इनका बिगेस्ट कॉज बन गया, किसका, फेलियर का। फाइन, अब जो इनकी अचीवमेंट्स थी वो क्या थी? इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास हुआ था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 2। हाँ, क्योंकि पहला कब हुआ था, 1861 में, 1892 में सेकेंड इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ। इनकी जो डिमांड थी कि इंडियंस को नॉमिनेट किया जाए, उन्हें बैठने दिया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो मान लिया गया था। सो दे वर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वहां पे, बट द फैक्ट इज ये वहां पर बैठते तो थे। इट जस्ट गेव देम द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द लेजिस्लेटिव, टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कि वहां पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ सुन सकते थे एज म्यूट स्पेक्टेटर्स। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस, दे वर नॉट आस्ड एनी क्वेश्चन, दे वर नॉट अलाउड टू रेज एनी क्वेश्चन, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, बस म्यूट स्पेक्टेटर्स की तरह वहां लेजिस्लेटिव में, वहां पर बैठे रहते थे। बस इनको सिर्फ मौका मिला था वहां बैठने का, एंड अंडरस्टैंड द रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसोसिएटेड विद द सेम। हाँ, बजट का डिस्कशन था, वो ये वहां पे कर पाते थे, दैट वॉज ऑल दैट दे यूज टू डू, नथिंग एल्स दैन दैट। फाइन, सो दिस वॉज द मॉडरेट फेज। इसके बाद आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आरसी दत्ता ने दिया था। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, फाइन, ये किसने दिया था? दादा भाई नरोजी एंड आर सी दत्ता। अपार्ट फ्रॉम दिस, दादा भाई नरोजी ने एक ड्रेन थियरी दी थी। दादा भाई नरोजी ने क्या दी थी? ड्रेन थियरी, मींस ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसने लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि कैसे यूरोपियंस सारा वेल्थ इंडिया का ले रहे हैं, और वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूरोप में। यू गेटिंग मी? उसने ये सारी चीजें अपनी एक बुक में लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नरोजी ने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके अलावा उसने ड्रेन थियोरी के बारे में भी इस बुक में लिखा था। सो दैट वॉज ऑल अबाउट मॉडरेट फेज एंड वट एवर थिंग्स वो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक मैंने सारी बता दी है यहाँ पे। इसके बाद आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज।